हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लॉकडाउन चल रहा है, सभी के बच्चे बड़े सब साथ में रह रहे हैं, तो मन होता है कुछ अच्छा अच्छा डिश नेक्स्ट बनाए, पर हमें जो घर में इंग्रेडिएंट्स है उसी से बना के बच्चों को खुश करना है। तो आज हम आलू और सूजी से ऐसा डिश नेक्स्ट बना के आपको दिखाएंगे जो बनाने में बिल्कुल ईजी रहेगा और खाने में इतना टेस्टी कि आप मार्केट का नाश्ता भूल जाएंगे। एक हम स्नैक्स तोड़ के आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी है, बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप भी अपने घर में बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, जिससे मैं अच्छा अच्छा रेसिपी आप लोगों को बना के दिखाऊँ। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जी, आलू का नाश्ता बनाने के लिए हमने गैस से कढ़ाई रख लिया है। गैस को हम ऑन करेंगे और उसमें एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे। हमें तेल ज्यादा नहीं डालना है, तेल को हम गर्म होने देंगे। अब हम उसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई, दोनों को हम अच्छे से चटकने देंगे। आप देख सकते हैं अपने राई और जीरा से चटकने की आवाज आ रही है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे थोड़ा सा हींग, यानी कि दो पिंच हींग लिया है हमने, इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, गैस का फ्लेम हम स्लो कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी हम एक बॉल के माप से नापेंगे, यानी कि इसी बॉल से हम सूजी लेंगे तो इसी से हम नाप के दो बॉल पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं जिस बॉल से हमें सूजी लेना है उसी बॉल से पानी डालना है। चाहे आप कोई भी बर्तन से मेजर कर लीजिए, पानी की मात्रा डबल होनी चाहिए। गैस का फ्लेम फिर से तेज कर देंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से उबलने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, यहाँ पे आप चिल्ली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, इसे भी हम उबाल में ले लेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब यहाँ हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, नमक को भी हम अच्छे से घुल जाने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपनी सूजी। तो आप देख सकते हैं जिस कटोरी से हमने पानी का मेजर किया उसी से सूजी लिए हैं, तो इस पानी में हम सूजी को थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे चलाते जाएंगे। ये वही सूजी है जिसे हम हलवा उपमा बनाते हैं, इसमें मोटा पतला का कोई ये नहीं है। एक बात ध्यान रखना है, पानी का मेजर इसमें परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अपनी सूजी जो है एकदम पानी को ऑब्जर्व कर लेगी, उतना ही पानी हमें डालना है। तो आप देख सकते हैं सूजी डालते एक से दो मिनट में सारे पानी को ऑब्जर्व कर लिया। हम अच्छे से इसे चलाएंगे, एक अच्छा सा डो की तरह हमें इसे बना लेना है। आप देख लीजिए, दो मिनट में सूजी ने सारे पानी को ऑब्जर्व कर लिया, कड़ाही भी छोड़ दिया। अब हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और सूजी को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। इस रवा के डो को एक प्लेट में निकाल लेंगे, इससे क्या होगा अपनी डो जल्दी ठंडा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कड़ाही में बिल्कुल नहीं ये डो लग रहा है, आसानी से थाली में आ गया। अब हम इसमें आलू ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो आलू को प्रेशर कुकर में बॉयल करके इसका छिलका हटा लिया है, इसे हम एक ग्रेटर की मदद से सूजी पे ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ग्रेटर लिया है और आलू को ऐसे ग्रेट कर देंगे। हमने दोनों आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें दाने नहीं होने चाहिए। अब चलिए हम इसे मैश लेते हैं, क्योंकि अपनी रवा जो है वो ठंडी हो चुकी है, तो हम इसे अलग हटा के मैश लेते हैं। अपनी डो ठंडी हो चुकी है, आलू को हमने ग्रेट कर दिया, तो हमें इतना ही ठंडा होने देना है कि अपना हाथ सह सके, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर हम डो को मसलेंगे। तो
तो इसमें ये रोले रख जाएंगे। तो यहाँ पे हम हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हाथ में डो चिपके नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा तेल लेके हम हाथ को ग्रीस करेंगे और इसी हाथ से ऐसे ग्रीस करते हुए सूजी आलू का डो तैयार करेंगे। ये नाश्ता बहुत टेस्टी होता है। हमने आलू और सूजी के डो को अच्छे से मसल के तैयार किया है, एकदम स्मूथ डो तैयार हुआ है। अब हम इसका कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डो लेंगे, आपको जितना बड़ा स्नैक सुनाना है उतना डो लीजिए। अब हम इसे हथेली में ऐसे गोल करेंगे, गोल करके फिर से चिपटा करेंगे और इसे एक हम डोनट का शेप देंगे। आप चाहे तो हार्ट शेप दीजिए, सिलेंडर शेप दीजिए, हमें ये शेप पसंद है तो हम ऐसे बनाएंगे। ये बनाना बिल्कुल आसान है। ऐसे ही हम सभी डो में से थोड़ा थोड़ा निकाल के हथेलियों पे लोई बनाएंगे, प्रेस करेंगे और अंगुली से एक होल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना स्नैक्स तैयार हो रहा है। चलिए हम सभी स्नैक्स तैयार कर लेते हैं। हमने एक बैच स्नैक्स बना के तैयार कर लिया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। अब हम तेल कैसे चेक करेंगे, तो डो से हम एक छोटा सा बॉल्स लेंगे और तेल में छोड़ देंगे। आप ध्यान से देखिए, बॉल्स के आजू बाजू में बॉबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अपने स्नैक्स के लिए तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसे झड़ने की मदद से बाहर निकाल देंगे। आप चाहें तो इसका लॉलीपॉप शेप भी दीजिए। देखिए अपने बॉल्स छोटे से कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अब हम इस तेल में सारे स्नैक्स छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे हम सावधानी से छोड़ेंगे, क्योंकि कड़ाही भी गर्म होती है, तेल गर्म होता है। तो थोड़ा सा सावधानी से छोड़ें। एक बार में जितना स्नैक्स आएगा उतना हम डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ध्यान रहे पहली बार में हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक छुएंगे नहीं तो टूटने का डर रहता है। एक साइड से ही मिनट तक फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसे फ्लिप करके आपको दिखाएंगे। फ्लिप कर लेते हैं, छड़ी की मदद से हम इसे ऐसे फ्लिप करेंगे। कितना प्यारा ये स्नैक्स लग रहा है, बच्चे देख के ही खुश हो जाएंगे। हम इसे दोनों साइड से उलट पलट के बिल्कुल ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से जूसी रहेगा। तो फिर हम इसे आपको बाद में दिखाते हैं। हम इसे बीच बीच में फ्लिप करते रहेंगे। ये स्नैक बहुत ही आसानी से बनता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। हमने उलट पलट के इसे 5 मिनट तक सेका है। एक बैच इतना एकदम बढ़िया तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया स्नैक तैयार हुआ है। हम झड़नी की मदद से एक्स्ट्रा तेल मिला देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम प्रोसेस से चलिए हम दूसरा बैच भी फ्राई करते हैं। तो हम धीरे धीरे ऐसे तेल में नाश्ता डालेंगे। ये बनाना बहुत आसान है, आपने देख ही लिया। हमें दूसरा बैच भी सेम प्रोसेस से फ्राई करना है। एक साइड से 1 मिनट तक फ्राई होने के बाद फ्लिप करना है और फिर दोनों साइड से उलट पलट के इसे अच्छा सा करारा होने तक सेक लेना है। हमने सभी बैच को एक एक करके फ्राई कर लिया है। एक्स्ट्रा तेल गिराते हुए प्लेट में हम निकाल ले रहे हैं। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया आलू सूजी से बना हुआ नाश्ता कितना आसानी से तैयार हो गया।
तो फ्रेंड्स इसे आप भी स्नैक्स में बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।